हेलो एवरीवन, वेलकम टू बचेला बस ब्लटेक। तो छात्रों, इस समय AKTU में बहुत ही ज्यादा अनियमितताएं चल रही हैं। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तभी से अब तक कोई भी सुधार नहीं हुआ है। रिजल्ट बहुत ज्यादा लेट रिलीज करते हैं। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन एग्जाम पहले हो जा रहे हैं और रिजल्ट बाद में आ रहे हैं। तो छात्रों, सबसे ज्यादा इसमें समस्या होती है COP वाले छात्रों को, क्योंकि उनको अपना रिजल्ट पता नहीं चलता है। ऐसे में उनको फिर से एग्जामिनेशन फॉर्म डालना पड़ता है। छात्रों, आज के इस वीडियो में हम कुछ और टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि AKTU कोई भी चीज को अब बैलेंस नहीं कर रहा है, ना ही कोई सर्कुलर निकालता है कि वह कब से इस सिस्टम को चेंज करेगा। टाइम से रिजल्ट निकालेगा, टाइम से एग्जाम कराएगा, और कॉलेज वाले भी कोई भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। छात्रों की भर भर के बैक लग रही है, और छात्रों को भी नहीं पता है कि बैक क्लियर करने के लिए आखिर क्या करें, कॉपी कैसे चेक हो रही है। हमारा एग्जाम तो अच्छा गया है, लेकिन फिर भी हम पास क्यों नहीं हुए हैं। तो छात्रों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत से ऐसे टॉपिक है जिन पर वीडियो अभी बनाना है। जैसे कि आप सभी को पता है, 28 जुलाई से एग्जामिनेशन स्टार्ट है सेकेंड फेज के, लेकिन अभी तक COP का रिजल्ट नहीं आया है। छात्रों, कुछ टॉपिक पे आज का यह वीडियो मैं कवर करूंगा। सबसे पहला है बैक फॉर्म को लेकर। स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा परेशान है बैक को लेकर, जिनकी बैक टू बैक COP आ रही है। यानी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम काफी अच्छा गया है, लेकिन फिर भी बैक आ जा रही है। कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक बैक क्लियर नहीं हुई है। उनके मन में यह डाउट है कि कितने साल में डिग्री हमें कंप्लीट करनी है। बैक आने से रिजल्ट या फिर आगे जॉब को लेकर कोई इशू तो नहीं होगा? और साथ ही अगर बैक नहीं निकल रही है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्या ऐसा तरीका है कि उनकी बैक निकले? मैं इनडायरेक्टली तरीके से आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर आपको बैक क्लियर करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर करें। साथ ही मैं वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, नहीं अगर आप एक भी स्टेप मिस कर गए तो इंस्टाग्राम में मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। दूसरा है UFM को लेकर। बहुत से छात्रों के मन में डाउट है, मतलब कि अगर आपका फर्स्ट टाइम UFM आया है तो इतनी प्रॉब्लम की समस्या की बात नहीं है। वो आपका एक ही सब्जेक्ट में की कॉपी चेक नहीं होगी जिसमें आपका UFM लगा है, बाकी रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सारा रेगुलर का रिजल्ट आ जाने के बाद ही UFM का रिजल्ट 10 से 15 दिन के बाद जारी होता है। तो छात्रों, अगर आप एक बार गलती कर चुके हैं और दोबारा भी वही बार गलती करते हैं कि UFM आ जाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ समस्या होती है। UFM क्लियर करने के लिए भी तरीके होते हैं, दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं वो इस पर नहीं बताऊंगा। आपको इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत से छात्रों के मन में डाउट रहता है कि ये ईयर बैक का क्या सिस्टम होता है, ईयर बैक कब लगती है? देखिए, अगर आप जैसे मान लीजिए 2 सेमेस्टर होते हैं, दोनों में 10 सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट में आपको 4 सब्जेक्ट क्लियर करना ही करना है। अगर 4 सब्जेक्ट क्लियर नहीं होते हैं, SGPA मेंटेन नहीं होता है, तो आपका ईयर बैक लग जाएगा छात्रों। अब बहुत से इस समय 4 से 5 दिन से बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं। बहुत से छात्र हैं जो बोलते हैं, सर भाई बैक क्लियर करा दीजिए। देखिए, दिन डेली मेरे पास 30 से 40 मैसेज आते हैं, सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है छात्रों, आप भी जानते हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम सबकी डिफरेंट डिफरेंट रहती है, तो उसमें एक प्रोसेस होता है, टाइम लगता है। तो अगर आपके पास पेशेंस हो तभी आइए। काम क्या करना है, अगर आपको आपकी बैक बार बार लग रही है, क्लियर करवानी है, मैं सीधा सा बोलूंगा क्या वे है वो मैं आपको इंस्टाग्राम में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको उस चैनल की एक मेंबरशिप लेनी होगी, तभी आप हमसे कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि सभी के एक बार में रिप्लाई करना आसान नहीं होता। तो केवल मेंबरशिप वालों को ही हम रिप्लाई करेंगे अगर बैक वाली प्रॉब्लम है। अगर बैक से आप परेशान है, UFM से आप परेशान है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं आपको 1 रुपया भी नहीं लूंगा, लेकिन मेंबरशिप आपको लेनी पड़ेगी। हम अभी तक मेंबरशिप जो थी वह 399 की थी, लेकिन अब हमने आपके लिए 300 की मेंबरशिप रखी है, 299। आपको यहाँ पर एक UPI ID का लिंक यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पे आप रुपए पे कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट मुझे नहीं भेजना है तो आप YouTube की सेक्शन में जाकर डायमंड की आप मेंबरशिप ले सकते हैं, या फिर सेकेंड वाला भी ब्रोजोन का भी ले सकते हैं। इसके बाद जो भी आपकी समस्या है, मुझे आप उसकी डिटेल आप मुझे सेंड करिए, आपको मैं व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लूंगा। तो आज के इस वीडियो का बनाने का जो पर्पज यही था कि अगर आपकी बैक टू बैक COP आ रही है, कैरी ओवर आ रहा है, उससे कैसे छुटकारा पाएं, या फिर बैक क्लियर करने का बेस्ट तरीका क्या होता, मैं आपको बताऊंगा। गारंटी है कि
कि अगर इन इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो कर लिया तो आगे से आपकी कोई भी बैक नहीं आएगी। छात्रों अब वीडियो के एंड में मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मेंबरशिप के बेनिफिट्स क्या होते हैं। देखिए इसमें आपको 6 मंथ का पूरा सपोर्ट मिलेगा व्हाट्सएप पे और कॉलिंग पे। कोई भी डाउट है आपका किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। आपके प्रोजेक्ट फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में भी मैं पूरी हेल्प करूंगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं या फिर मैकेनिकल के हैं किसी भी ब्रांच के हैं मैं आपके फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में पूरी हेल्प करूंगा। कोई भी इंफॉर्मेशन है जो एकेटीयू से आती है आपको कॉलेज के माध्यम से नहीं मिल पाती है मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। साथ ही आपकी राइटिंग स्किल क्या होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो पढ़ने में अच्छे होते हैं फिर भी उनकी बैक आ जाती है बिकॉज ऑफ राइटिंग स्किल, लैक ऑफ राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल उनको पता नहीं है कॉपी कैसे लिखना है, हेडिंग कैसे डालना है, क्या कब स्केच का यूज करना है, तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से कॉपी को लिखना है, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपने कम पढ़ा है फिर भी आप पास हो सकते हैं। तो मेंबरशिप के बहुत ही बेनिफिट्स हैं, ओनली 300 प्राइज है, तो आपको इसके साथ जाना चाहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।